अयोध्या में अब मांस और मदिरा पर बैन की मांग बढ़ रही है और ये बैन की मांग आ रही है ठीक कुछ ही दिनों बाद अयोध्या को हाल में ही जो है फैजाबाद को हाल में ही नाम बदलकर अयोध्या करार किया था। अब ये मांग उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री हैं मोहसिन रजा। पहले इन तीनों लोगों का नाम तो बदल दें। बीजेपी एमएलए के मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग के बाद अब यूपी मंत्री ओपी राजभर ने कहा, शहरों से पहले बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं का करे नामकरण। झारखंड में महिला के साथ गैंगरेप के बाद मर्डर, महिला का पूर्व पति गिरफ्तार, दो और आरोपियों की तलाश जारी। पूर्व बीजेपी मंत्री जनार्दन रेड्डी से पॉन्जी स्कीम केस में पूछताछ, इससे पहले रेड्डी ने वीडियो जारी कर खुद को बताया था बेकसूर। टीपू जयंती पर कर्नाटक में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियों को मडिकेरी में हिरासत में लिया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं बने समारोह का हिस्सा। दो अलग पैनल्स करेंगे बाघिन अवनी की मौत की जांच, महाराष्ट्र सरकार के बाद केंद्र ने भी बनाई जांच कमेटी। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, हर जिले में गौशाला बनाने का किया वादा, वहीं बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए निकाला विजन डॉक्यूमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ, मैं हूं कविता कृष्णन। पहले नामकरण और अब शुद्धिकरण की मांग। दिवाली के एक दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर और अयोध्या किया और इससे नाम बदलने की मांग को उन्होंने पूरा किया। अयोध्या की पहचान अयोध्या के रूप में ही रहे, कोरिया इस बात का गवाह है, दुनिया के तमाम देशों का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर आया है और इसलिए सबसे पहली बात मैं इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं, आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। और अब कुछ ही दिनों बाद यहां के महंतों की मांग है कि जिस शहर से श्री राम का नाम जुड़ा है वहां मांस और मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगे। मांस मदिरा जहाँ चलता है वहाँ हिंसात्मक कार्य होते हैं और हिंसा बढ़ती है, प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को तत्काल पूरे अयोध्या नगर निगम में इसका प्रतिबंध लगाना चाहिए, मांस मदिरा बंद होना चाहिए। दर्शकों, सवाल अब उठता है कि क्या सरकार इस मांग को भी पूरा करेगी? अगर हाँ तो जिन लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है उनका क्या होगा? और क्या सरकार ये तय कर सकती है कि आप आज खाने में क्या खाएंगे? चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं आईपी सिंह जो कि बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, वंदना सिंह जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, उवैस सुल्तान खान सोशल एक्टिविस्ट है, रमाकांत गौर जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, और साथ ही साथ हमारे फ़ोन लाइंस भी खुले हैं क्योंकि ये चर्चा आपके बारे में है, ये इस बारे में है कि आप खाने में क्या खाइएगा। इसलिए अगर आप इस चर्चा में जुड़ना चाहे तो फ़ोन कीजिए और अपनी बात रखिए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आईपी सिंह से। आईपी सिंह, हमने देखा कि एक मांग आई थी कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा जाए, वो मांग तो पूरा हो गया। क्या अब ये जो नया मांग सामने आ रहा है कि अयोध्या में मांस और मदिरा
के बिक्री पर बैन लगाया जाए, क्या इस मांग को भी सरकार कंसिडर कर रही है? अगर कांग्रेस की नीयत साफ रही होती तो जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इस्लाम को रिकॉग्नाइज किया गया, पाकिस्तान अस्तित्व में आया, ये वही सही समय था कि भारत में अयोध्या या प्रयागराज या तमाम देश में ऐसे मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो नामकरण हुआ, जिस तरह से मुस्लिम शासकों ने उत्पीड़न किया, तमाम मंदिरों को तोड़ा गया, अगर उस समय ये बात कांग्रेस हल कर देती तो आज ये मुद्दा नहीं बनता। लेकिन अयोध्या नगर पालिका थी, नवंबर 2017 को जब इसका अस्तित्व नगर निगम के रूप में आया, तो वहां के साधु संतों ने सरकार के सामने एक अपना प्रस्ताव रखा कि ये जो नगर निगम का जो इलाका है, इसी नगर पालिका के उस क्षेत्र पर मांस मदिरा और इन सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उसी बात को आज सत्येंद्र दास जी जो महंत हैं, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या धार्मिक नगरी है, मथुरा धार्मिक नगरी है, हरिद्वार धार्मिक नगरी है, जो धार्मिक नगरी हैं, हिंदुओं की जो आस्था है, यहां मांस मदिरा पर रोक लगनी चाहिए। ये कोई अतिशयोक्त की बात नहीं है, बिल्कुल इस पर विचार होना चाहिए। और जब पूजा के लिए व्यक्ति आता है, देश के कोने कोने से, दुनिया से लोग अयोध्या पधारते हैं, तो उनके मन में बड़ी पवित्र मन से वो धार्मिक स्थल पर आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी वो पधारते हैं, और जब पधारते हैं, सरयू तट पर जाते हैं, तो चाहते हैं यहां अंडे की बिक्री ना हो, यहां जो शराब बेची जाती है उस पर प्रतिबंध हो। और आज से नहीं, देखा जाए तो सदियों से जो धार्मिक स्थल रहे वहां इन सब पर प्रतिबंध रहा है, बहुत जायज मांग है जी। आईपी सिंह, आपने शुरुआत में ही इस चर्चा को रचर्चा में राजनीति जोड़ना चाहा, आपने शुरुआत में ही इस चर्चा में एक कम्युनल कलर देने की आपने कोशिश की। दोनों को मैं नज़रअंदाज करूंगी, क्योंकि हमारी चर्चा यहाँ पर सिर्फ इतना है कि क्या किसी को ये कहना चाहिए या किसी को ये नियम कानून इस देश में बनाने चाहिए कि मैं आज खाने में क्या खाऊंगी, क्या इसका फैसला कोई और लेगा। सवाल यहां पर सिर्फ हम इतना ही पूछ रहे। आपने कहा, आईपी सिंह ने यहां पर हमें बताया कि धर्म का जो स्थल है वहां पर मांस और मदिरा का खान पान नहीं होना चाहिए, उसका सेवन नहीं होना चाहिए, धार्मिक नगरी है, इसीलिए अयोध्या में जो है मांस की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। यहां पर रमाकांत गौर, ये बताइए, भारत देश में अगर आप देखें तो हर शहर में, हर गली में आपको मंदिर नजर आएंगे, और ऐसे में हर शहर हर गली जो है धार्मिक नगरी बन जाती है, तो क्या हर जगह हमें मांस पर बैन लगा देनी चाहिए? अब देखिए, यह भारत वर्ष वह देश है जहां के हर व्यक्ति को देवता माना गया, और इस भूमि को कहा गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो इसको स्वर्ग से तुलना की गई और ये कहा गया कि ये देवभूमि है। जब ऐसी बात कही गई तो यह वही देश है जहां मां कामाख्या के, काली के और अन्य अन्य देवी शक्तिपीठों पर बलि चढ़ाई जाती है मांस की। यह वह देश है जहां भैरव पर और शंकर की उपासना में मदिरा से भी पूजन होता है। तो अगर हम इस इतना परहेज करेंगे तो शायद हम धर्म को बहुत कंस्ट्रिक्टेड वे में देखेंगे। गंगा चलती है गंगोत्री से और पहुंचती है गंगा सागर, क्या ये बात ये कह सकने में सक्षम है? क्योंकि जो मांस की बात कहते हैं कि प्रयागराज में गलत है, अयोध्या में गलत है, तो क्या वह बात कामाख्या पे आसाम में गलत नहीं है? क्या वह बात केरला में गलत नहीं है? क्या वह बात कहीं और जगह गलत नहीं है? गोवा में आपके अपने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं साहब, ये बैन गलत है, हम यहां ये बैन नहीं लाएंगे। तो आप राजनीति कर रहे हो
या धर्म की बात कर रहे हो? धर्म को मत बेचो राजनीति के नाम पर। अगर बैन कर सकते हो तो पूरे देश में कर दो, और अगर नहीं कर सकते तो यूनिफॉर्मिटी आप वायलेट नहीं कर सकते। ये बात हुई धर्म की। दूसरी बात, इस देश का $4 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है मीट, और ये भारत सरकार के आंकड़े, मेरे घर से बने आंकड़े नहीं है। क्या हम उन आंकड़ों को, क्या हम इतने बड़े ट्रेड को इंपैक्ट कर पाएंगे? क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? आज जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत से गुजर रही है, क्या हम ये हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इस ट्रेड को बैन करने की बात करें? तीसरी बात, हम सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं। हम एक दूसरे में मनमुटाव के बीज बो रहे हैं। आपको चाहिए राजनीति, आपको चाहिए वोट, तो आप समाज का स्ट्रक्चर, समाज का जो ढांचा है, जो सदियों से चला आ रहा है, कम से कम उसको खराब मत करिए। आप कहते आए हैं कि कांग्रेस ने खराब किया या भाजपा ने खराब किया, ये राजनीतिक दलों ने ही खराब किया है, ये किसी कांग्रेस या भाजपा की देन नहीं है। जी जी, और इसी की गोमांस या मदिरा की। जी 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 कविता, और रमाकांत गौर जी, जैसे आपने कहा सामाजिक ढांचे की बात आपने की, ओवैस सुल्तान खान, यही अयोध्या जिसकी हम बात करें, यही फैजाबाद जो है, गया मेरा। जी जी कविता, कविता जी बोलिए बोलिए, कविता जी मैं रमाकांत जी का जवाब देना चाहूंगा। जी आपको वक्त दिया जाएगा, आपको वक्त दिया जाएगा, आपको वक्त दिया जाएगा। जी आईपी सिंह साहब, आपको वक्त दिया जाएगा, मैं आपके पास आऊंगी, बताइए गौर साहब। भारत में संविधान एक ऐसी किताब है जो सर्वमान्य है, जिसे मानना ही होगा, और जो देश में राइट टू लाइफ है, जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो सबसे बड़ा है। उसमें हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो चुने कि उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, क्या करना है, इतना अधिकार है। सो अगर मांस बिकना जायज है तो मांस का व्यापार अगर जायज है तो उसे चूज करना भी जायज है कि मुझे ये खाना है। मदिरा का व्यापार आप बंद नहीं करते हो, आप मदिरा के नाम से राजनीति करते हो। दूसरी बात, आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वह कौन सा ट्रेड करे, कौन सा कॉमर्स, कौन सा व्यापार करे। अगर कोई व्यक्ति संलिप्त है किसी कानूनी रूप से वैध व्यापार करने में, उसका हनन नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये कह देते हैं राजनीतिक लोग। फिर क्या हुआ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में इनको मुंह की खानी पड़ी, हाईकोर्ट ने उस बैन को जो महाराष्ट्र सरकार ने लगाया उसको हटाया। तो ये एक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के विपरीत करने वाली बातें हैं, जो सिर्फ वोट बैंक जी कानून जी जो लीगल, जो लीगल एंगल है उस पर बात करने के लिए आपके पास फिर से आऊंगी रमाकांत जी। लेकिन अभी ओवैस सुल्तान खान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे रमाकांत साहब ने बताया सामाजिक ढांचे की बात उन्होंने की, अवध्या, अयोध्या या फैजाबाद, आप चाहे किस नाम से उसे बुला ले, ये शहर जो है गंगा जमुनी तहजीब का जन्म स्थान है। हमें जरा समझाइए कि गंगा जमुनी तहजीब है क्या चीज। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान सदियों से जो है अचानक नहीं बन गया, इसमें अलग अलग लोग आते रहे और बसते रहे, और यहाँ एक मिश्रित संस्कृति का जो है एक जन्म लिया, और जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब के तौर पर जानते हैं। और वो गंगा और यमुना के जो ये जो मैदानी इलाका है, इसमें यहाँ पैदा हुई। हिंदी और उर्दू दोनों इसी की एक जो है पैदावार हैं, ये जो आज हम जबान बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं। आज अफसोस की बात ये है कि देश जो है हमारा, और गंगा जमुनी तहजीब जिस बात की आप बात कर रही हैं, जो अवध एक तरह से नाश करता है उसकी आन बान शान पर, जो पता नहीं किस तरह से योगी आदित्यनाथ किसी और तरह की आन बान शान की बात कर रहे हैं, पर असली आन बान शान जो है गंगा जमुनी तहजीब की, वो ये है कि कैसे एक साथ बिना किसी के ऊपर अपनी चीज़ें थोपे हुए साथ साथ रहा जाए, इज्जत के साथ, बराबरी के साथ रहा जाए, खाने पीने की पाबंदी ना हो, आज़ादी हो हर तरह की। यहाँ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे बड़ा अफसोस है कि देश में संविधान लागू है, 70 साल बाद भी एक बड़ी ज़िम्मेदार पार्टी के रहनुमा हैं
लीडर हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि सीधे तौर पर एक धार्मिक देश की तरफ जो है बढ़ने के लिए हिंदुस्तान को कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। और जो गंगा जमनी तहजीब की जो हम बात कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ है। ये भी मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि देश के जो सर्वे हुए हैं 2014 के बाद, जो सरकारी सर्वे हैं तीन बड़े बड़े, उसमें जो है ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो हमारे अफवाह फैली हुई है हिंदुस्तान एक वेजिटेरियन देश है, ये कोरी अफवाह है। 80% लगभग हिंदुस्तान के लोग, मर्द औरत और तमाम तरह के लोग हिंदुस्तान में जो है मांसाहार करते हैं, वो गोश्त खाते हैं, वो मीट खाते हैं अलग अलग तरीके से। तो हम क्यों अपने बहुलतावादी देश में एक तरह की सोच को, एक तरह की परंपरा को, एक तरह की पॉलिसी और पुलिसिंग को जो है फ़रोग दे रहे हैं? इस तरह की जो डिमांड है ये बहुत अफसोसनाक है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं अयोध्या में ही, वो अपने आप में ही इस तरह से रहते हैं कि उनको जिनको खाना है वो खाते हैं, जिनको नहीं खाना है वो नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ दरगाहों की और संतों की और जो है सूफियों की परंपरा रही है, जहाँ पर खानकाहों में जो है एक तरह से वेजिटेरियन खाना परोसा जाता है। पर उसके साथ साथ जो है जो हिंदू जो धर्म स्थल, जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट ने कहा गौड़ साहब ने, कि अलग अलग जो धर्म स्थान हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पर जो है बलि की परंपरा रही है, वह मांसाहार की परंपरा रही है। तो खानकाहों में वेजिटेरियनिज्म भी हुआ है हिंदुस्तान में, और मंदिरों में जो है मांसाहार की परंपरा भी रही है, और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। जी जी, तो वंदना सिंह, क्या आप कहेंगी कि एक तरह से ये जो मांग अब सामने आ रही है, ये मांग उत्तर प्रदेश और खासकर अवध के लोगों के रहन सहन और उनके कल्चर के ही खिलाफ है? आपने मुझसे सवाल किया? जी वंदना जी, जी उत्तर, जहां मेरा मानना है, अगर इनको वोट मांगना है तो काम के नाम पर मांगे। ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, कभी नाम बदले जा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि वहां मांस नहीं खाए। कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन ये किसी पे अपनी मर्जी नहीं थोप सकते हैं कि आप ये मत खाइए और आप ये मत पहनिए। ये जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें संविधान ने इसकी राइट दिए हुए हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, हम सब यहाँ पे फ्री हैं, फ्री सोसाइटी है। रहा सवाल अयोध्या का, तो ये राम भगवान को बदनाम ना करें, राम हमारे दिल में रहते हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। कभी इनकी इतनी नाकामियां हैं कि वो नाकामियां छुपाने के लिए ये तरह तरह के जुमले ला रहे हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज बदल। अरे बनारस में आज तक गंगा नहीं साफ हुई, प्रयागराज में आज हम कुंभ मनाने जा रहे हैं, वहां की सफाई कितनी हुई है, कितना पैसा झोंका जा रहा है। इनके खुद के नेता मांस के ट्रेड में इन्वॉल्व थे, उनके बारे में ये क्या कहेंगे? केशव मौर्य जी इस बिजनेस में थे, तो क्या वो हिंदू नहीं है? अगर हम मांस खाते हैं तो क्या हम हिंदू नहीं है? जयपुर के मंदिर में, काली के मंदिर में 9 दिन तक मांस चढ़ता है और मदिरा चढ़ता है, तो आप क्या कहेंगे वो हिंदुओं का डेटी नहीं है, वो हिंदुओं की देवी नहीं है? ये तो अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं ये। अब जब इलेक्शंस आते हैं पास में, तो अब इनको राम भगवान याद आ रहे हैं, अब नाम बदले जा रहे हैं, और कोई चीज गिनाने के लिए नहीं है। बेरोजगार नौजवान घूम रहा है वहां मध्य प्रदेश में, 25 लाख नौजवान बेरोजगारी में बैठा हुआ है, और ये क्या बात करते हैं? राम भगवान की बात करते हैं? अरे आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए, जनता जागरूक हो चुकी है, उसको पेट में रोटी चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। राम हमारे दिल में है और हमारी जबान में वो हमेशा रहेंगे। आपकी जरूरत नहीं है हमें बताने के लिए कि राम भगवान अयोध्या में थे तो अयोध्या में मांस मछली नहीं चले। वैसे भी लोग जब मंदिर जाते हैं परहेज करते हैं, नहीं खाते हैं। भाजपा की जरूरत नहीं है हमें ये सब बताने के लिए। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है पोलराइज करना है और कुछ नहीं है। आईपी सिंह जी, यहाँ पर सीधा हिसाब है, यहाँ पर सीधे सीधे जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे, एक तो ये कानून के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है, दूसरा ये उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, अवध की बात करें, तो वहीं के लोगों के रहन सहन और कल्चर के खिलाफ है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये लोगों के रोजी रोटी पर जो है सवाल उठाएगा, लोगों के रोजी रोटी को खतरे में डालेगा। अब बताइए कि क्या इस मांग, क्या ये मांग जायज है? आदरणीय वंदना जी,
समाजवादी पार्टी किस मुंह से बात करती है, निहत्थे कारस्यूकों को गोलियों से भून दिया गया, पूरी अयोध्या लहूलुहान हो गई थी। अयोध्या काशी आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी मुद्दे पर रहिए, आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी मुद्दे पर रहिए, माफ कीजिए आईपी सिंह जी मुद्दे पर रहिए, ये उस तरह का चैनल नहीं है, ये उस तरह का चैनल नहीं है, मैं आपको राजकरण करने नहीं दूंगी, नहीं मैं आपको यहाँ पर राजनीतिकरण करने नहीं दूंगी, आप सवाल का जवाब दीजिए, साहब का भी जवाब देना, सवाल का जवाब दीजिए, मुस्लिम स्कॉलर है जी, सवाल का जवाब दीजिए, मेरी बात तो आ जाने दीजिए, आईपी सिंह सवाल का जवाब दीजिए जी, आदरणीय बंदना जी उन्हें रोकिए, मैं कोई आपको इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए, तीनों का जवाब देना होगा, गौर साहब दीजिए, दीजिए साहब, आप अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। सबरीमाला पर 800 साल की परंपरा तार से तार हो गई, 377 भारत में महिला से शादी करे, पुरुष पुरुष से करे, बात नहीं करते सिंह साहब, 497 सवाल ये है, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़िए ना जाकर, यहाँ क्या कह रहे हैं, आप ही लाए हैं और ये सारे कानून आप ही ने बदलाए हैं, हमने नहीं बदले हैं, आपने कहा कि मंदिरों पर आईपी सिंह जी सारे कानून आप ही के राज्य में होती रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि जो धार्मिक नगरी है उसको आप डिक्टेट करेंगे, आप जैसे लोग उसको डिक्टेट करेंगे उस हिसाब से धर्मनगरी चलेगी। और आपने कहा देवभूमि, अरे विकास जब करना है तो अयोध्या में सड़कें बनाइए, इस्लाम के नाम पर किया, जब इस्लाम के नाम पर किया तो जो मुस्लिम स्कॉलर थे जो उनकी बातें आती हैं जो वो सारी पाकिस्तान में चली गई, और ये टॉलरेंस देखिए, ये टॉलरेंस देखिए कि हिंदुओं की गोद में ही मुसलमान पला बढ़ा, और हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो जन्मभूमि है, जो अयोध्या है, उस अयोध्या का भी विरोध होता है। इनसे पूछिए क्या मक्का मस्जिद के अंदर मुझे हनुमान चालीसा का परमिशन नहीं देंगे, सिर्फ आपका नहीं, देखिए आईपी सिंह जी आपको एक बात बता दूं, आईपी सिंह जी शायद ये पहली बार, आईपी सिंह जी मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करती हूँ कि आप सबका ऑडियो काट दें, आईपी सिंह जी आप शायद पहले बार मेरा नाव पर आए, आपको यहाँ बता दे डिबेट के कुछ नियम होते हैं, और सबसे पहला नियम यह होता है कि आप सवाल का जवाब दें और दूसरों को बात करने दें, राजनीतिकरण ना करें और बात को ना घुमाएं। सवाल आपसे कुछ पूछा गया था, जवाब आप कुछ और दे रहे, फिर से आएंगे आपके पास, फिर से वही सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, सूरज है नई दिल्ली से जुड़े, सूरज बताइए आपका क्या कहना है। देखिए जी, मेरा कहना बिल्कुल स्पष्ट है, मैं 100% इसके फेवर में हूं कि फैजाबाद का नाम अयोध्या होना चाहिए और मीट बैन होना चाहिए, ये 100% होना चाहिए। दुनिया के कई ऐसे धर्म है जहां पर ऐसे होते हैं, तो इसका बात का बतंगड़ बनाना नहीं चाहिए, ये हक है, ये धार्मिक हमारे जो गुरु हैं वो ये कह रहे हैं और ये मान्यता मिलनी चाहिए जी। सूरज यहाँ पर चाहते हैं कि मीट बैन होना चाहिए अयोध्या में। आदिल इस वक्त फोन लाइन पर है, दिल्ली से ही जुड़े हैं, आदिल बताए। गुड इवनिंग एवरीवन, आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। मिस्टर सिंह, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, डोंट टेक मी अदरवाइज, मुझे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप अपना नाम चेंज करेंगे क्यों मुस्लिम में, एंड प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप ब्लेमिंग समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी। क्या इस तरह के सवाल खड़ा करते हैं, क्या इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं? आईपी सिंह जी दर्शक है, आपके वोटर है, वो सवाल पूछने का हक रखते हैं। आईपी सिंह जी ये दर्शक है, आपके वोटर है, सवाल पूछने का हक रखते हैं, आपको उन्हें सवाल पूछना देना होगा और सवाल का जवाब दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए, आईपी सिंह जी सवाल का जवाब दीजिए, आईपी सिंह जी क्या आपको सवाल सुनाई नहीं दे रहे? दिक्कत यहाँ है आईपी सिंह जी, इस तरह की बात इंटॉलरेंस इस तरह की बात करता है। मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगी कि आईपी सिंह का ऑडियो डाउन करें, क्योंकि यहां पर दर्शक जो है वो सबसे अहम है, हमारे दर्शक सबसे अहम है। आदिल बताइए।
मिस्टर सिंह, मेरा आइडिया आपको हर्ट करने का नहीं है. मेरा आइडिया ये है कि आपने जब शुरुआत में किया तो आपने इमीडिएटली कांग्रेस को ब्लेम किया, एंड देन जो मैम यहाँ पे बैठी है समाज आदिल जी, आपका सवाल क्या है? आदिल जी सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये अपना नाम चेंज करेंगे? नंबर टू. नंबर सेकंड क्वेश्चन, फैजाबाद में जो लोग रह रहे हैं क्या उनका भी नाम चेंज होगा? नंबर थ्री, जब आप 2014 में जब आप जीते थे तभी आपको ये मुद्दे सारे उठाने चाहिए थे, ये अब क्यों उठाए जा रहे हैं जबकि आपने कोई विकास नहीं किया है? डिमोनेटाइजेशन है, किसी के पास में नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार बैठे हैं. ये सिर्फ है कि आप अटेंशन जो है लोगों का डाइवर्ट करना चाहते हैं, तभी ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं. दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज. जी जी आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया. आईपी सिंह जी, मैं आपको एक मिनट देती हूँ, एक मिनट में आदिल के सवालों का जवाब दीजिए. आदिल, आदिल मेरे घर का नाम गोपाल, कॉलेज का नाम इंद्रपाल, आज आईपी सिंह के रूप में तो आपके सामने बैठा हूं. मैं वही हूं, वही अयोध्या है जो सदियों से थी और वही प्रयागराज है जो सदियों से था. बीच में इस तरह की अराजक तत्वों ने उसका नाम बदला, उसके साथ खिलवाड़ किया. और जिस डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, मैं अमेरिका दौरे पर था और मैंने जब $100 निकाला स्टोर में, स्टोर पर बैठे हुए इंप्लाई ने जीभ निकालकर मुझे इशारा किया. फिर मैंने कहा आई वांट टू चेंज. और भारत के अंदर पैरेलल इकोनॉमी हर व्यक्ति की चलती थी, लोगों की चलती थी, जिम्मेदारियां बढ़ी, लोग टैक्स देने लगे, भारत की अर्थव्यवस्था रास्ते पर आई, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2018-19 में होंगे. तो भारत इस तरफ आगे बढ़ा है. इंटॉलरेंस गैंग जो है उसको इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं है. क्या 2014 से पहले भारत में हर आदमी के पास रोजगार था? क्या क्या भारत के अंदर भ्रष्टाचार नहीं था? क्या भारत के अंदर बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था? हाँ, रोजगार मिल रहे हैं, लोग अपने मुद्दे पर लौटते हैं, लोग फैक्ट्रियां लगा रहे हैं. जी आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, आपका एक मिनट खत्म हो गया, मुद्दे पर लौटते हैं. आदिल के कुछ सवाल मुद्दे से परे थे लेकिन अब मुद्दे पर लौटेंगे. रमाकांत गौर जी, आप जैसे हमें बता रहे थे कि ये कानून के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है, अगर आप हमें समझा सके. और साथ ही कुछ पिछले साल की बात है, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र को होली सिटी करार किया गया था, वहां पर भी मीट बैन हुआ था, मीट के बिक्री पर बैन लगाई गई थी, फिर वो केस जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पास गया था. क्या फैसला आया था उस केस में? देखिए कोर्ट्स ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि भारत के हर नागरिक को आर्टिकल 19 के तहत अपना ट्रेड करने का अधिकार है. वो जिस भी व्यापार को करना चाहेगा वह उस व्यापार को कर सकता है, यह उसका मूल अधिकार है. तो मौलिक अधिकारों के हनन में कोई भी व्यक्ति या सरकार अगर कुछ कहती है तो वह असंवैधानिक है. और उस असंवैधानिक आदेश किसी मस्जिद के अंदर हमेशा सुअर का मांस खाया जा सकता है? आईपी सिंह, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था. आप कहते हैं बात इंटॉलरेंस की, आप इंटॉलरेंट है, ये स्क्रीन पर दिख रहा है. आईपी सिंह, सच एंड सच, आईपी सिंह, आर्टिकल काउंट करने से आईपी सिंह अधिकार की बात. आईपी सिंह, आप इंटॉलरेंस गैंग की बात करें, इंटॉलरेंस का मिसाल आप दे रहे हो. आईपी सिंह, आप रुकिए, मेरे पैनलिस्ट को बात करने दीजिए. आईपी सिंह का इस बात का अधिकार तो देता है, आईपी सिंह इस बात का अधिकार संविधान देता है कि आप आईपी सिंह खा सकते हैं क्या? सबरीमाला के अंदर अधिकार मुझे बोलने का है, कर्तव्य आपका सुनने का है जी. आप कर्तव्य और आपका कर्तव्य ये भी है आईपी सिंह जी. रमाकांत गौर जी एक सेकंड, आईपी सिंह आपका कर्तव्य ये भी है कि डिबेट पर दूसरों का वक्त जाया ना करें, उनकी भी बात सुने, उसके बाद अपनी बात रखे. रमाकांत गौर जी बोलिए. देखिए आप, आज तो आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत में सरकार है, मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं. ड्यूटीज को जो जिन कर्तव्यों की बात कही आपने, वो आपकी सरकार ने आज भी जरूरी नहीं बनाए. तो आपको संविधान में अधिकारों और कर्तव्यों में डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए. आपको नहीं पता, वो आपके अज्ञान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. जाएं और संविधान पढ़ें.
इस देश की सर्वोच्च अदालत, इस देश के तमाम उच्च न्यायालयों ने यह कहा, इस बात को तय करेगी आईपी सिंह, ये आर्टिकल सिर्फ अधिकारों की बात करने से, देश का संविधान जनता नहीं तय करेगी, देश का संविधान कोसने से, मंदिरों को कोसने से भला नहीं होने वाला है। आप जैसे लोग, आपके अनर्गल प्रलाप से तो कुछ नहीं मिलेगा। आईपी सिंह ठीक है, ये जो आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी हम मानते हैं, आईपी सिंह जी आपके पास आर्टिकल बात नहीं है, आईपी सिंह जी बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे, आईपी सिंह जी सिर्फ बहस के नाम पे बहस किए जा रहे हैं। आईपी सिंह जी हमारे और एक दर्शक हमारे साथ जुड़े इस वक्त, जी जी एक सेकेंड आप दोनों कृपया जैसे लोग, आप दोनों कृपया शांत रहे, और एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, मेजर सामरा फोन लाइन पर है लुधियाना से। मेजर साहब बोलिए। मेरे को ये कहना है, इनको पहले दोनों पॉलिटिशियन को, पॉलिटिशियन साहब को और वकील साहब को बोलिए कि थोड़ी देर के लिए चुप रहे, मेरी बात सुनिए। हिस्ट्री को आप, अपनी हिस्ट्री को आप निकाल नहीं सकते, हिस्ट्री को हम चेंज नहीं कर सकते। ये नेम चेंजिंग एक पी मतलब मटर के ब्रेन का आइडिया है, ये कोई बड़ा आइडिया नहीं है। दूसरी बात, लेट्स, मैं एज इंडियन एक एक्सेप्ट करता हूँ पर्सनली, देन हमारे फोर फादर वीक थे, मैं तो समझता हूँ कि आपकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए आप यूनाइटेड सक्सीड हुए। अन्वेजर सक्सीड तब हुए क्योंकि हम लोग कमजोर थे, संगठित नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे। जी मेजर साहब, मेजर साहब आपके फोन लाइन में खराबी है, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। डॉक्टर आजाद फोन लाइन पर है, कश्मीर से जुड़े हैं। डॉक्टर आजाद, डॉक्टर आजाद आपसे, डॉक्टर आजाद आप पहले टीवी को प्लीज म्यूट कीजिएगा, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। गो ऑन डॉक्टर। मुझे ये जो आईजी साहब, सिंह साहब है, मुझे इनसे बात ये करनी है, ये पूछना है कि अगर चाइना आज 25 साल पहले हमारे आसपास था इकॉनमी मिलिट्री लिहाज में, और आज देख लीजिए वो 8 ट्रिलियन इकॉनमी है, और इंडिया 1.5, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन की, बाकी चीजें की, दैट वाज एन इकोनॉमिक डिजास्टर। अब पॉपुलेशन आप देख लीजिए 135 करोड़ है, चाइना के आसपास में आ रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं हो रही है, एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है। यहाँ आप इतनी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप मोस्ट 100 में किसी जगह आती नहीं, अब ना एजुकेशन पे बात करते हैं, ना सोशल सेक्टर पे बात करते हैं, ना जो इनका जो डेवलपमेंट जो प्लान था, या ये जो डेवलपमेंट एक उन्होंने नारा दिया था स्लोगन, वो तो हुआ ही नहीं। अब ये अगर सोशल फ्रिक्शन करना चाहते हैं इस ये मामूली मुद्दा को लेके, नाम चेंज करने से या बाकी चीजें मीट ना खाने से या लिंचिंग करने से, क्या इनको, क्या मतलब इस ये 135 करोड़ लोग क्या पागल है फिर जी, ये इसी पे जाएंगे कि नहीं जी हमें ये करना है वो करना है। एटलीस्ट दे शुड थिंक द डेवलपमेंट, द एम्प्लॉयमेंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री फर्स्ट, है ना जी। तो जी डॉक्टर आजाद, ये मुद्दा स्मार्ट सिटी में तो नहीं करेंगे ना जी। डॉक्टर आजाद आपने बहुत बहुत अच्छा मुद्दा उठाया यहाँ पर, और खान साहब अगर आप हमें यहाँ बता पाए, जैसे आईपी सिंह जी यहाँ पर देख लीजिए कि जितने भी लोग, जितनी भी जनता, जितने भी लोग आपके वोटर फोन कर रहे, हर कोई डेवलपमेंट का मुद्दा उठा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से शहर का क्या नाम रखा है और कौन से शहर में आप मीट बैन कर रहे हैं, सब कोई डेवलपमेंट की मांग कर रहा है। खान साहब ये बताइए कि पिछले 4 साल में अयोध्या में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने गटर साफ हुए हैं, कितनी नए अस्पताल बने हैं, कितने नए स्कूल बने हैं, बताइए आपने जमीन में कोई बदलाव देखा है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो योगी आदित्यनाथ की अभी की जो घोषणा है उससे ही आप समझ सकते हैं कि वहाँ बुनियादी चीज़ें हैं ही नहीं। वहाँ बुनियादी चीज़ में एक सबसे बड़ी बात जो है वो अस्पताल नहीं है। जिस अस्पताल अभी आए हुए, इनके काफ़ी वक्त हो गया सरकार को, सरकार की बड़ी प्रायोरिटी है अयोध्या पर, अयोध्या एक तरह से विकास के नाम पर छला गया है, अयोध्या को, फैज़ाबाद को, और फैज़ाबाद अयोध्या का ही क्यों कहा जाए, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को जो है छला गया है। मैनिफेस्टो की हम जब बात करते हैं, इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया था, अभी इनको याद आई कि पहली बार अस्पताल बनेगा अयोध्या में, फैज़ाबाद में, और
2014 का मैनिफेस्टो, जो चुनाव का मैनिफेस्टो, या 2017 का यूपी इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो, उसकी जो घोषणाएं हैं, वो कहां पर है? वो विकास के एक बात में मुझे एक बात, मैं गया हूं, मैं गया हूं, गोसाईगंज भी गया हूं, सब जगह गया हूं, मैंने आपके जब बोल रहे थे, मैंने मुझे आप बात करने दीजिए, मुझे आप बात करने दीजिए, मुझे आप कैसे तय करेंगे, आप कैसे, आप कैसे मंत्र नहीं और सांप के बिल में उंगली डालना। आईपी सिंह जी, अगर आप दूसरों को बात नहीं करने देंगे तो आपका ऑडियो मुझे जबरन काटना पड़ेगा। आईपी सिंह जी, आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। बोलिए, खान साहब की बात है। देखिए, ये जो है विकास का, ये पूरी तरीके से मैं यहाँ साफ तौर पे कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से डिबेट चली और अब यहाँ तक पहुँच गई, और दर्शक भी जिस तरह से सवाल विकास के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये विकास का एक विकास और डेवलपमेंट का डी और वा जो है इनके आसपास नहीं है। बीजेपी के इतने सीनियर लीडर हैं और इन्होंने अभी तक विकास का नाम नहीं लिया है। बहुत हैरानी की बात है और बहुत शर्मिंदगी की बात इसलिए भी है कि इतनी ज़्यादा निंदनीय और अशोभनीय ये भाषा और उकसाने की जो है प्रवृत्ति के साथ यहाँ पर आए हैं। ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं यहाँ साफ तौर पे कहना चाहूँगा, इसलिए भी क्योंकि 1947 जो है बंटवारा हुआ, उसके ऊपर बार बार जाए जा रहे हैं, इस्लाम जो है ये करवाया वो करवाया, आप किस तरह की नफरत की राजनीति यहाँ कर रहे हैं इसमें, मतलब आप टीवी के ऊपर, आज 2018 है, 2018 है, आप पूरी बात करने दीजिए, आप बात कीजिए। आईपी सिंह जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। माननीय, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके आईपी सिंह जी, मुझे आपसे बड़े आदर के साथ एक सवाल पूछना है। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि आप जो है बीफ का मसला लेके आते हैं, लिंचिंग का मसला लेके आते हैं, आपके तमाम तरह के गुंडे और तमाम तरह की चीज़ों को आप लगाते हैं, सड़क पे कानून का मजाक बनवाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी खिल्ली उड़ाते हैं, संविधान की खिल्ली उड़ाने के साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मानते, सरकार को कुछ नहीं मानते। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप ये चुनावी हथकंडे क्यों आपकी पार्टी अपनाती है? त्रिपुरा में आपके जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं सुनील देवधर, वो चुनाव त्रिपुरा का जिताते हैं और त्रिपुरा का चुनाव जिताने के बाद आकर कहते हैं, देखिए चुनाव जिताने के लिए मुझे जो है सुअर का और गाय का गोश्त भी खाना पड़ा, मुझे सुअर का, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सुअर का और गाय का मांस भी खाना पड़ा। तो क्या भाजपा की ये स्ट्रैटेजी है कि देश में मांस के मसले पे, किसी मसले पे जो है डिवाइड करके चुनाव जीता जाए, कहीं खाकर और कहीं पाबंदी लगवा के? आप मुझे ये जवाब दीजिए, और ये पब्लिक डोमेन में है सुनील देवधर का। सुअर का मांस आप खाइए, आपको मुबारक। हिंदू सुनील देवधर भाजपा के सीनियर नेता, सुनील देवधर श्रीमान सुनील देवधर जी, खान साहब ये पब्लिक डोमेन में है। खान साहब माफ कीजिए, खान साहब यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम यहाँ पर चर्चा जो है, चर्चा इस बात है, उकसाने की बात बन। आईपी सिंह जी एक सेकेंड, खान साहब जैसे मैंने शुरुआत में कहा, चर्चा यहाँ पर हमारी अपनी फ्रीडम पर है, हमारे अपने लिबर्टी के बारे में है। यहाँ पर एक सेकंड, मैं यही जी नहीं खान साहब, यहाँ पर बात दरअसल ये है, हमें दी है जी, बात दरअसल ये है कि क्या मुझे पंडित अटल जी, यहाँ पर मुद्दा दरअसल ये है कि क्या कोई सरकार मुझे ये बता सकता है कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं? क्या कोई सरकार भारत देश में मुझे ये बता सकता है कि मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊं? ये दो बड़े सवाल है जो इस फैसले से जुड़े हुए हैं, जो शायद उत्तर प्रदेश सरकार ले, और इसीलिए जो है हम ये सवाल आज उठा रहे। हम यहाँ पर ना ही किसी धर्म के बारे में बात करना चाहते हैं जी, कविता जी, नहीं मैंने जो है जो नाम लिया, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ नाम लिया, क्योंकि वो गूगल के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन, नहीं मैं समझ रही हूँ आप किस, आपने नाम जिम्मेदारी से उठाया, पर मैं आपको दूसरी, पर आपकी, मैं आपको ये जो आपका सवाल है, मैं आपको साफ तौर पर बार बार एक सेकंड, आप खान साहब, मैं आपको इसलिए भी रोक रही हूँ, एक सेकंड, आप दोनों जरा सुने,
जी लोगों के वजह दोनों जरा सुने ये यहाँ पर मैं आप लोगों को इसीलिए रोक रही हूँ, इसीलिए टोक रही हूँ क्योंकि हमारी जो दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे जो दर्शक सवाल पूछ रहे वो ठीक सवाल पूछ रहे, उनका सवाल दरअसल ये है कि क्या सरकार को इन चीजों में उलझना चाहिए या सरकार को डेवलपमेंट के काम पर जोर देना चाहिए, सरकार का परम कर्तव्य क्या है, यही जो है हमारे देश के लोग पूछ रहे हैं। एक सेकंड, हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए डायरेक्ट जुड़े हुए जलगांव से महाराष्ट्र में, डायरेक्ट बताइए। यस, मैं हमारे बीजेपी लीडर से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से बीजेपी फोर्स में आई है, सरकार में आई है, वो इन लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि झगड़े लगा रहे आपस में और कुछ नहीं। दे आर नॉट थिंकिंग कि कंट्री को डेवलप कैसा करें। आज देखो पेट्रोल के प्राइसेस कितने हो गए थे, डीजल के प्राइसेस कितने हो गए थे जी। उसके बाद में अभी देखिए आप एलपीजी के प्राइसेस क्या क्या हो रहे। इन लोगों ने तो बड़े हिम्मत से लोगों को फ्री गैस बांटे, पर वो गैस जल रहा है क्या उनके घर में, पहले तो ये देखना चाहिए। तो ये लगाए राम मंदिर, ये लगाए मस्जिद, ये लगाए मीट मत खाओ, ये लगाए अल्कोहल मत पियो। अरे क्या नाटक है इन लोगों का। इनसे तो सड़कें देखिए जी, जी महाराष्ट्र के अंदर सड़कें देखिए, महाराष्ट्र के अंदर सड़कों को मत दिखाइए हमें, हम मुंबई में रहते हैं हमें पता है कि सड़कें कितनी कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। रहने दीजिए, सड़कों के बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। सौरभ फोन लाइन पर है सोनीपत से, सौरभ फोन लाइन पर है सोनीपत से। आईपी सिंह जी, हर सवाल का जवाब आप ही से मांगा जाएगा, दो मिनट धीरज रखें। सौरभ फोन लाइन पर है सोनीपत से। कविता जी लास्ट जी, सौरभ जी बताएं जी। मैम हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए जी। मैं सौरभ चंद्राम बोल रहा हूँ सोनीपत से। मैं यही चाहूंगा हमारे नेताओं को कि देखिए अयोध्या में जो भगवान श्री राम हुए हैं हमको एक आदर्श राजा भी मानते हैं, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए सब कुछ किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नाम ऊंचा करने की बजाय आप वहाँ की जनता के बारे में सोचिए, वहाँ के लोगों के बारे में सोचिए और उनको सबसे बढ़िया जो फैसिलिटीज हो सके वो दीजिए। भगवान राम जी ने यही तो किया है, वो एक आदर्श राजा हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वंदना सिंह, सीधा सवाल है और यही सवाल हमारी जनता बहुत देर से उठा रही है कि क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर बात को पलटने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर जो मुद्दा है और जो मुद्दा होना चाहिए हर सरकार का डेवलपमेंट, क्या उससे उसको नजरअंदाज करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, इसीलिए इन मुद्दों की बात हो रही है। ये जी बिल्कुल सही कहा आपने, अगर ये विकास की बात करते हो, इतना ही हमारे देश में विकास हो रहा है तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी इनको आ गई कि इन्होंने कानून के साथ का इस्तेमाल किया आरबीआई से पैसे लेने के लिए। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी इनके पास, इनसे ये पूछिए अगर इतना विकास हो रहा है तो। और कह रहे हैं आर्थिक इमरजेंसी और फिर ये कह रहे हैं कि विकास बहुत हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा डेवलपमेंट हुआ है? इनके पास एक भी गिनाने के लिए नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए। अब तो खाली हिंदू मुसलमान ही नहीं, ये जातियों को भी जाति से बांट रहे हैं। इनका सिर्फ ये काम है, इनका मुद्दा है किसी तरह साम दाम दंड भेद 2019 में आना है। और ये चार राज्य जो अभी चुनाव में जहां जाए हुए हैं वहां भी इनका यही चल रहा है। अभी इनके हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी छत्तीसगढ़ गए हैं और बात क्या कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम भगवान की बात कर रहे हैं। अरे हमें क्या राम भगवान को बताने की जरूरत है, हम सब राम भगवान को जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सब मानते हैं। और रहा सवाल मुसलमानों का, मैं एक आपको उदाहरण दूं, आज ही मैं पढ़ रही थी कहीं पे, पुणे में जब अंबेडकर नगर में आग लगी थी सरकार ने किसी की मदद नहीं की थी, वहां हिंदू लोग रह रहे थे, दो मुसलमान भाइयों ने वहां पे सबको घर बनवा के दिए, दिवाली के लिए उनको पैसे मिठाइयां बांटी, उनको पटाखे दिए, उनको खर्चा दिया। तो अब इसका अर्थ क्या लगाया जाए कि इसमें हमारे हिंदू मुसलमानों में कोई भाईचारा नहीं है या हम एक दूसरे को मानते नहीं है, हम सब एक हैं। इनके बांटने से कोई नहीं बटने वाला, ये हिंदुस्तान नहीं बटेगा।
और ये पब्लिक सब समझ गई है आप लोगों की, जो आप लोग कर रहे हैं, जो इस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं और जिस तरह के विचारों से आप आए हैं और कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी और 2019 में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। साहब, सारे सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात कि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं, जब मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण किया और नोएडा से लेकर आगरा तक बना, उसके बाद 2012 में उसका उद्घाटन होना था, उसका उद्घाटन श्री अखिलेश यादव जी ने किया। सवाल यह है कि निरंतरता में जो काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किए, तो जब 10 वर्षों तक कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी उस काम को किया, लेकिन जो एवरेज था वो 2 किलोमीटर प्रतिदिन का था। आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन देश में सड़कें बन रही हैं। इनसे पूछिए, ये जिस नोएडा के अंदर रहती है, वहां क्या बिजली आती थी? त्राई त्राई मची थी नोएडा, गाजियाबाद, सभी महानगरों में समाजवादी पार्टी बिजली नहीं दे पा रही थी। 4 जिलों तक बिजली सीमित थी। हम 75 जिलों में 18 घंटे, 22 घंटे और 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, हमने हमने वो देख हमने जो गरीबों के आवास बनाए हैं वो इतिहास में आज तक किसी किसी पार्टी ने बनाए। आईपीसी जी को बात करने दीजिए, वो इतना देर सुन रहे थे, इतनी देर में सुन रहे थे, उन्हें बात करने दीजिए। गन्ना किसानों के खाते में सीधे भेजने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। गन्ना किसानों के लिए 47,000 करोड़ रुपए सीधे गन्ना किसानों का दूसरा मदद करी है। वंदना जी, बेचने का काम किया। वंदना जी, डिबेट के नियम आप पर भी लागू होते हैं। आईपीसी जी को बोलने दीजिए, आईपी सिंह जी को बोलने दीजिए, वो इतनी देर सुन रहे थे। नाम पे नाम बता जी, रहे हैं। वंदना जी, उनको बोलने दीजिए, कुछ ही मिनट बाकी है, उन्हें बोलने दीजिए, बोलिए। आप सिर्फ इतना बोलिए कि अयोध्या के अंदर का क्या काम किया है। सवाल ये है कि मैंने कहा ना कि हम लगातार उन कामों को बता रहे हैं कि हमने देश में सबसे ज्यादा 17,000 किलोमीटर देश की बात नहीं करेंगे, अयोध्या की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या की बात कीजिए। अयोध्या में आपने क्या डेवलपमेंट किया है पिछले 2 साल में? अयोध्या में क्या बदला है ये बताइए हमें। और हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम अब अयोध्या हो गया। पैनल में वंदना जी समाजवादी पार्टी की हैं। अयोध्या के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी कि रिंग रोड नहीं थी। पहला निर्माण अगर देखा जाए, जब मनी कल्याण सिंह की सरकार थी, रिंग रोड बनाने का काम किया, वहां के घाटों को ठीक करने का काम किया, जो बिजली के तार फैले हुए थे। इन 1.5 वर्षों में जब हमारी सरकार आई, मैं पिछले 2 साल की बात कर रही हूँ, आईपी सिंह जी काम किया। आईपी सिंह जी पिछले 2 साल की बात कर रही है, इतिहास की बात नहीं कर रही है। सुनिए, पिछले 2 साल की बात कर रही है आईपी सिंह जी। नगर निगम बनाया, नगर निगम बनाने के बाद आईपी सिंह जी 30 सेकंड में हमें ये बताइए कि पिछले 2 साल में अयोध्या में क्या किया आपने? हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पिछले 2 साल में वंदना जी, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ। आईपी सिंह जी अगर आप आईपी सिंह जी सुनिए, पिछले 2 साल में इस सरकार के कार्यकाल में अयोध्या जो डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसे पहले फैजाबाद बताया जा रहा था, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा काम आपने शुरू किया और खत्म किया बताइए। देखिए, वहां के अंदर तो सबसे पहले बिजली का काम हमने दुरुस्त किया। जो बिजली नहीं आती थी, जो आज का समूचा अयोध्या है, वहां हमने 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करी। सिर्फ अयोध्या नहीं, मथुरा, काशी, इस तरह के जितने मुस्लिम तीर्थस्थल भी हैं, उनको भी 24 घंटे बिजली देने का काम किया। शहर के अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने सभी सड़कों को चौड़ीकरण कर दिया, दूना कर दिया है, जितने तार थे उसके अंदर किया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मदद की, वहां हमने नया एयरपोर्ट दिया है। लोहिया विश्वविद्यालय को अपग्रेड किया है।
लखनऊ से अयोध्या तक जो जो फोर लेन जी आईबी सिंह जी आईबी सिंह जी आपके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चले जाइए सुनिए ना आईबी सिंह जी इस पर मुहर लगाएगी उस पर इस पर मुहर लगाएगी आपका इस पर मुहर लगाने वाले आपके नागरिक है आपके नागरिक है खान साहब क्या ये सब काम हुआ है एक सेकंड खान साहब इन 15 सालों मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगी सबका ऑडियो कार्ड दे खान साहब जल्दी बताइए ये सब काम हुआ है हाँ या ना देखिए जितनी जोर-जोर से चिल्ला देखिए जितनी जोर-जोर से चिल्ला के उतावलेपन से वो बता रहे हैं वो साफ बताता है ये काम नहीं हुए हैं मैं आखिरी बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा मेरे पास हिंदू मुसलमान शायद नहीं होते जी जी खान साहब माफी चाहती हूं पर मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है लेकिन आज की चर्चा में अगर कोई बात सामने आई है तो बात दरअसल ये है कि ये देश के लोग जो है विकास चाहते हैं डेवलपमेंट चाहते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े ये चाहते हैं कि उनके घर के बाहर सड़कें हो ढंग की सड़कें हो उनके घर में बिजली हो उनके घर में पानी आए और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन बातों को वो पूरा करे अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरा करे कोई ये नहीं चाहता दरअसल एक बात हम यहाँ पर सरकारों को बता दें आप शहरों के नाम बदले राज्यों के नाम बदले आप जितनी नामकरण मन मर्जी जितनी नामकरण करना चाहे करें किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है तो सिर्फ डेवलपमेंट से और एक बात सदियों से उत्तर प्रदेश और खासकर अवध अयोध्या या फैजाबाद आप चाहे जिस नाम से उसे बुला लें अपने गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर है देश भर में इसे सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है ये वही राज्य है जहां का गलौटी कबाब और चाट दोनों ही बेहद मशहूर है ऐसे में अयोध्या में ही क्यों पूरे भारत में अगर आप मीट की बिक्री पर बैन लगाने की बात करेंगे या उसकी मांग उठाएंगे ऐसी मांग और ऐसी बात जो है लोगों के गले नहीं उतरेगी बहुत बहुत शुक्रिया